अरे 2 दिन के बाद मेरा पेपर है और मैंने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक यार, फटाफट से मुझे पढ़ना है, तो चलो यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आज मैं ना साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाला, आज तो मैं पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा पढ़ के, लेकिन यार सिर्फ 2 ही दिन बचा, मैं कितना पढ़ू? चलो ट्राई करता हूँ यार। हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, द प्रोसेस ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ऑफ सेम स्पेसिस, ऑफ सेम स्पेसिस, हाँ, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। अरे यार याद ही नहीं हो रहा यार, कितना ट्राई कर रहा हूँ याद ही नहीं हो रहा है। ए रोहन, तूने कितना पढ़ा अभी तक, तेरा क्या पढ़ के हुआ? हाँ राहुल, अरे यार मैं क्या बताऊँ यार, मैं कब से याद करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो आज साइंस सब्जेक्ट लेके बैठा हूं, तू भी साइंस लेके बैठा है, आज मैं साइंस लेके बैठा हूं, मैं कब से ट्राई कर रहा हूं याद ही नहीं हो रहा यार, मैं सच में बोल रहा हूं, मैं परेशान हो गया हूं। ठीक है यार, कोई ऐसा होता ना यार जो हमें बता दे कि बहुत कम समय में हम ये सिलेबस कैसे कंप्लीट कर दे, साला 2 दिन बाकी एग्जाम के लिए यार, कैसे करें हम लोग, समझ में नहीं आ रहा यार। अरे दोस्तों, आप लोग ने मुझे याद किया और मैं ना आऊं, और आपने मुझे से कुछ डिमांड किया और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राहुल और रोहन, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो डाउट आप लोग के मन में है ना कि यार कम समय में कैसे पढ़ा जाए, ज्यादा सिलेबस, ज्यादा स्टडी कैसे किया जाए, तो ऐसे बाकी जो हमारे स्टूडेंट इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं ना, शायद आप लोग के मन में भी यही अगर डाउट है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जयसवाल, आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जे आर टॉक्स। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि बहुत कम समय अगर आपके पास बचा है और आपका पेपर लगभग 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद अगर आने वाला है, और आपने बहुत कम पढ़ाई किया हुआ है, तो ये जो बचा हुआ जो टाइम है, बहुत कम, लेस टाइम जो है, इसमें आप ज्यादा स्टडी कैसे कर सकते हैं, और वो ज्यादा स्टडी करके किस प्रकार आप अच्छे मार्क्स भी एग्जाम में ला सकते हो। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसे ही बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहां पे मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वन बाय वन चीजें हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर वन पॉइंट जो कि है, नो योर सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये पता होना चाहिए। अब ये पता कैसे चलेगा? बहुत सारे आज भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जाम्स के एक दिन पहले तक ये पता नहीं होता है कि उनका सिलेबस है कितना। वो फोन करके दोस्त को पूछते, अरे रोहन तेरे को पता है क्या कि यार कितना सिलेबस आने वाला है, अरे साइंस में कितने चैप्टर आने वाले, तेरे को पता है क्या, अरे ये वाला टॉपिक है क्या, ये वाला टॉपिक है क्या, ये चैप्टर आने वाला है क्या। तो ऐसे कई सारे सवाल उनके मन में होते हैं, क्योंकि वो कभी क्लास में ठीक से बैठते नहीं है, स्कूल्स में कभी ठीक से जाते नहीं है, और जो एल्डर्स उनको बोलते हैं वो उनका कहां मानते नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी होते हैं, लगभग 99% सब लोग अच्छे ही होते हैं, सब सिलेबस वगैरह जानते हैं, लेकिन 1-2% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उनको कोई पड़ी नहीं होती है कि हम पास हो जाए फेल हो। लेकिन यार दोस्तों एक चीज सोच लेना कि अगर आप फेल हो गए तो यार आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका लाइफ में आपको अगर सक्सेसफुल बनना है तो एकमात्र तरीका है पढ़ाई करना, अनलेस एंड अंटिल आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, कि आपके घर में बहुत सारे बिजनेसमैन है, नेता लोग हैं, कि चलो यार आपका तो कुछ भी कर लो आपका पार हो जाएगा, मतलब बोलते हैं नैया पार हो जाएगी, तो वैसा तो कुछ होगा नहीं। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपना तरीके से आप पढ़ाई करो यार, कोई बात नहीं। लेकिन जिनका कुछ नहीं है, जिनको सिर्फ अपने पढ़ाई मात्र से ही अपने करियर में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो यार ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को पहचानो कि यार साइंस में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, और वो चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम हमेशा पढ़ाते टाइम बताते हैं आपको, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मार्क कर लो, बोलते हैं कि नहीं लेक्चर्स में, वैसे आपके स्कूल में भी कहा जाता होगा, हमारे वीडियोस में हम आपको बताते हैं, करेक्ट है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज नो योर सिलेबस, ठीक है, हर सब्जेक्ट के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालाइज द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब आपके पास बहुत कम समय है, लेट सपोज आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, 2 डेज टाइम है, और आपको समझ लो 5 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये इंपॉसिबल तो नहीं है कि आप पूरा पूरा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, कोई भी चैप्टर, अगर हर एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स है, मान लो कि हर चैप्टर में 10 टॉपिक है, वैसे अगर आपके पास टोटल 10 चैप्टर है, तो 100 टॉपिक पढ़ना है क्या आपको? अगर आपको 100 टॉपिक पढ़ना है तो ही आप 100% मार्क्स ला सकते हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 10 चैप्टर में 10 टॉपिक भी अगर होंगे तो 100 टॉपिक होते हैं कुल मिला के, लेकिन ये 100 टॉपिक में से क्वेश्चंस कितने में से आते हैं? ज्यादा से ज्यादा 15 और 20 टॉपिक्स में से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरे एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को काउंट करोगे तो कुल मिला के 15-20 ही क्वेश्चन होते हैं ना। फिल इन द ब्लैंक छोटे मोटे की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स की, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑड मैन आउट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये तो आप वैसे भी सब पढ़ लेते हो, कोई परेशानी नहीं होती इसमें, ठीक है ना। हम लोग भी आपको पूरा एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है उसमें से ज्यादा से ज्यादा 20, ज्यादा से ज्यादा 25 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब आपको 100 में से सिर्फ 20-25 टॉपिक ही पढ़ना है। तो अगर आपने एनालाइज किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं 10th का और 12th का,
तो उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाए, और कहीं से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, कहीं से भी आप निकाल सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज 2022 चल रहा है, मतलब आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले के सिर्फ चार साल के पेपर निकालो, 19 का निकालो, 20 का निकालो, 21 का निकालो, 22 का निकालो, सिर्फ ये चार ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो। वैसे 20 और 21 में आई गेस पेपर नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन उसके पहले का आप निकाल सकते हो। फिर उसमें चेक करो कि ये चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसको टिक मार्क करो, और वो जो टिक मार्क आपने किया है उसको याद करने बैठ जाओ, उसको समझने बैठ जाओ, उसके कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखने बैठ जाओ। समझ में आ रहा है? तो कम समय में हो सकता है कि नहीं पॉसिबल? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करोगे अगला स्टेप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन निकालो टॉपिक वाइज, और उसको लर्न करना स्टार्ट कर दो। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कर सकते हो बहुत कम समय में, जो कि है मेक अ स्टडी शेड्यूल। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ने बैठ जाते हैं और कभी भी रख देते हैं, कोई मैनर्स नहीं है, कोई पद्धत नहीं है, बोलते हैं ना हम लोग मराठी में मतलब पद्धत, तो कोई एक शेड्यूल नहीं है, ठीक है। तो वो शेड्यूल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कई बार आपको बोला है कि मेक योर ओन टाइम टेबल, मेक योर शेड्यूल, मेक योर स्टडी शेड्यूल, और स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए। मैं कई सारे स्ट्रैटेजीज बना के देता हूं आपको इस चैनल पे भी, और हमारे मेन वाले चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी बना के देता हूं। लेकिन आपको सबसे पहले ना आपका खुद का एक शेड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे ये चैप्टर पढ़ना है ये सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद मेरे को स्कूल जाना है, मेरे को ट्यूशन जाना है, मेरे को वीडियोस देखना है, मेरे को फिर वापस से ये चैप्टर का पढ़ना है, मेरे को रिवीजन करना है, मेरे को मैथ्स प्रैक्टिस करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर योर शेड्यूल, और याद नहीं रख सकते एक चार्ट पेपर में बनाओ। मैंने कई बार मतलब कम से कम सैकड़ों बार बोला रहेगा, 100 बार बोला रहेगा आपको कि एक चार्ट पेपर ले लो 5 रुपए का 10 रुपए का, उसमें एक टाइम टेबल बनाओ और बड़ा सा अपने हॉल में जहां पे भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना, किचन में, बाथरूम में, हर जगह लगा दो। मैं तो बाथरूम में भी लगा के रखता था, बोलो अभी, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है, ये चीज आपको करना है ताकि जब भी आप आसपास भी जा रहे हो, बाथरूम में भी जा रहे हो, तो वो टाइम टेबल देखोगे, अरे यार हाँ यार आज तो 8 बजे मुझे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है चलो आ जाओ, तो अंदर से मोटिवेशन होगी, अपने आप पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो ऑलवेज मेक योर शेड्यूल। चौथा है मेक सेल्फ पॉइंट्स या फिर शॉर्ट नोट, जिसको मैं बोलता हूं वाइल स्टडी। जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो देखो, पढ़ने जब बैठते हैं तो हमेशा एक रफ बुक या फिर एक नोटबुक लेके बैठा करो। नोटबुक जब लेके बैठे तो समझ लो आप कुछ पॉइंट पढ़ रहे हो, वीडियो भी चला रहे हो साथ में, और टेक्स्ट बुक या फिर आपका जो भी नोट्स जिससे आप पढ़ते हो, डाइजेस्ट से पढ़ते हो, कुछ किसी से भी पढ़ते हो, वो लेके बैठे हो, वीडियो देखे, कंसेप्ट समझा, फिर वहां से उसको याद करने बैठे। तो जब याद करने बैठे तो उसको पॉइंट्स बना लो, या फिर जब वीडियोस भी देखने बैठ रहे हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के रख लो, अपने नोटबुक में बना लो, ताकि आपका खुद का एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट हो जाए, और वो शॉर्ट नोट्स को ही आप वापस से जब रिवाइज करोगे तो आपको तुरंत सब चीज याद आ जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। तो ऑलवेज मेक योर सेल्फ पॉइंट्स या फिर शॉर्ट नोट्स टू रिमेंबर मोर, ज्यादा याद रखने के लिए, और रिवीजन में काफी आसानी हो जाएगी। पांचवें नंबर पे रखा है मैंने अवॉइड मल्टीपल बुक्स। बच्चे क्या करते हैं 8-10 बुक ले लेते हैं, मैं डाइजेस्ट भी ले रहा हूं, मैं रिलायबल भी ले रहा हूं, मैं ये कौन सा सॉल्यूशन आता है, मतलब हमारे टाइम में तो बहुत सारे सॉल्यूशन आते थे, आपके टाइम में भी और आते होंगे, तो ये सॉल्यूशन भी ले लिया, टेक्स्ट बुक भी सामने रख रहा हूं, नोटबुक भी सामने रख रहा हूं, क्लास से पढ़ाया हुआ रख रहा हूं, स्कूल से पढ़ाया हुआ सब चीज रख दिया मैंने बिस्तर पे 8-10 बुक, ताकि मुझे मम्मी और पापा देखेंगे तो लगना चाहिए ना, अरे बेटा क्या पढ़ाई कर रहा है, ऐसा लगना चाहिए ना, बट ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप जितने ज्यादा बुक से पढ़ोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होंगे, उसमें कुछ और लिखा रहेगा, थोड़ा सा अलग तरीके से उसमें लिखा रहेगा, पैटर्न सेम ही है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा रहेगा, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसके लिए मल्टीपल बुक्स को अवॉइड करो, कोई एक बुक फॉलो करो, टेक्स्ट बुक है उसके अलावा कोई एक बुक, यानी कि आप डाइजेस्ट फॉलो कर रहे हो, रिलायबल फॉलो करो, कोई भी एक चीज फॉलो करो आंसर्स को याद करने के लिए, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं आंसर को याद करने के लिए, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारे वीडियोस देखते हो या फिर टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो वो आपके लिए बस हो गया, ठीक है। तो कीप ओनली थिंग्स यू नीड, आपके पास जो चीज की जरूरत है सिर्फ वही अपने पास रखो, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं है फिलहाल में उसको बाजू कर दो, उसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से है, डोंट टेक मल्टीपल एंड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। बच्चे ये करते हैं, आधा घंटा पढ़ा, थक गया यार पढ़ते पढ़ते, अब मेरे को सोना पड़ेगा 1 घंटा। अरे यार ऐसे करोगे तो लेस टाइम में ज्यादा स्टडी ज्यादा कैसे करोगे? तो आपको मल्टीपल और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स नहीं लेने, 1-1.5-2 घंटा लगातार पढ़ो। जैसे मैंने आपको एक ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी यानी कि ब्रेक द चेन रूल बताया था, 45 मिनट्स पढ़ो, 15 मिनट ब्रेक लो, तो वैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो 15 मिनट ब्रेक बहुत बड़ा लगता है, तो आप ऐसा कर सकते हो 5 मिनट 55 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर 55 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर वापस 55 मिनट्स पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, तो ऐसा 3 बार करो, उसके बाद एक लंबा 2 घंटे का ब्रेक ले लो। तो ऐसे करोगे तो आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आएगा। तो ये अपना तरीका है, आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बस मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। लेकिन ज्यादा ब्रेक मत लेना क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट कराएगा, ठीक है। तो जितना हो सके पढ़ते रहना, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहना, और ये टॉपिक्स जो ये पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है अगर ये फॉलो कर लोगे तो कोई बच्चा यहां पे डरेगा नहीं। जैसे रोहन उधर बैठ के बोल रहा था ना, और यहां पे राहुल भी बोल रहा था यार कि यार मुझे डर लग रहा है कि कैसे स्टडी होगा हमारा इतने कम समय में, तो यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस हिम्मत रखना है और ये सब चीजों को फोकस करना है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना,
और इतना मेहनत और क्रिएटिव तरीके से हम लोग आपको कुछ ना कुछ बता रहे हैं। तो प्लीज इसीलिए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, अपने सारे दोस्तों को आप इनवाइट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। ऐसे कई सारे वीडियोस हम बना रहे हैं हाल ही में जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके एग्जाम्स प्रिपेरेशन के लिए, आपके करियर के लिए। तो प्लीज शेयर करते रहना, उनको बोलना कि एक बार ये वीडियो सिर्फ ओपन करके देख ले, उनको खुद ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहां पे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जिस प्रकार आपने हमें जेआर ट्यूटोरियल्स पे सपोर्ट दिखाया, इस पे भी अगर आप सपोर्ट दिखाओगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको ऐसी ऐसी कंटेंट्स यहां पे दूंगा कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट अस एंड 100K जल्दी जल्दी करवा देना। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे गाइस हमारे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।